सजा याफ्ता लालू यादव को एम्स प्रशासन ने बिल्कुल फिट बताकर जब से रांची मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया है, बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी शोर बहुत तेज हो गई है। लालू यादव को एम्स में स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए भर्ती किया गया था। वैसे ये तो काफी पुरानी बात है कि जेल होते ही नेताजी लोग सबसे पहले अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। सोमवार को एम्स से डिस्चार्ज किए जाने के तुरंत बाद लालू यादव ने सबसे पहले पीएम मोदी पर आरोपों की बारिश कर दी। कहा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे कुछ हुआ तो पीएम मोदी ही जिम्मेदार होंगे। लालू जी, किसकी साजिश है? साजिश है नरेंद्र मोदी का, साजिश है भाजपा का, सीबीआई का साजिश है। आपकी तबीयत अभी कैसी है? हमारी तबीयत भैया ठीक नहीं। हाँ, क्या तकलीफ है? मैंने हार्ट का है, पसूला है, चक्कर आता है, किडनी में किडनी 60% खराब है जी। आपका मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दे रहा है एम्स किसी को। लालू यादव खुद को किडनी, फेफड़ा, लीवर, सिर, पैर, हाथ, हर जगह से बीमार बता रहे हैं। हो सकता है लालू यादव के स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, पर सियासत लगातार कर रहे हैं। जब तक एम्स के स्पेशल वार्ड में भर्ती थे, सियासी औपचारिकता वाली मुलाकात चलती रही, कभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो कभी राहुल गांधी के साथ। हो सकता है इस मुलाकात में कोई सियासी बात नहीं हुई हो, पर विरोधी दल इसे सियासत ही मानकर चल रहे थे। 30 अप्रैल को राहुल गांधी एम्स में लालू यादव से मिलने पहुंचे। इसके कुछ देर बाद ही लालू यादव को दिल्ली से रांची शिफ्ट कर दिया गया था। इससे पहले लालू यादव ने एम्स प्रशासन को चिट्ठी लिखकर खुद को बीमार बताकर फिलहाल एम्स में ही रहने देने की आग्रह किया था। लालू यादव की चिट्ठी का असर एम्स प्रशासन पर बिल्कुल नहीं हुआ। राहुल से मुलाकात के कुछ देर बाद ही एम्स से विदाई का फरमान सुना दिया गया। खुद को बीमार बता रहे लालू जी बुरी तरह भड़क गए। मोदी जब कोई इंसान थे और उनके दबाव से हमको यहाँ से सीधा आप नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल। लालू जी, आपको लगता है कि आपको परेशान करने की नीयत थी? परेशान किया जा रहा है। पूरी आरजेडी को ऐसा लगने लगा कि लालू के साथ केंद्र की सरकार बैर भाव के साथ पेश आती है। जेल से पहले रांची अस्पताल, फिर दिल्ली के एम्स में इलाज। ये भी सही बात ही है कि स्वास्थ्य के साथ सियासत नहीं होनी चाहिए, वो चाहे किसी के साथ हो। लालू यादव के छोटे पुत्र क्रिकेट में भले ही फेल हो रहे हो, राजनीति में पास होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो हायर इंस्टीट्यूशन भेजा जाता है, लेकिन इस हालात में जब लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है और लगातार कोई सुधार नहीं है उनके स्वास्थ्य को लेकर के, तो अब कैसे ये निर्णय लिया गया, ये तो एम्स के लोग और वो प्रशासन के लोग ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आनन फानन में इस तरह से क्यों निर्णय लिया जा रहा है। या तो ये दर्शाता है कि लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर के शायद गंभीरता जो है जो दिखानी चाहिए थी वो गंभीरता नहीं दिखाई। लालू यादव 29 मार्च को एम्स में भर्ती हुए थे और 30 अप्रैल को रांची से दिल्ली भेजे गए। इस दौरान इलाज से भी अगर वो ठीक नहीं हुए हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत लालू यादव के डिस्चार्ज होने के बाद से जोरों पर है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।